Hello and welcome to Akancha Against Harassment, your Cyber Safety Podcast 101. And this is a very special podcast. Today is Independence Day, our Swatantrata Divas. And today's day, in the past year, our guests were today, they are together with us again. And now they also advise us. Welcome to the Inspector General of Police Uttar Pradesh, Navneet Sekera Sir. Thank you, Akancha. Thank you so much for inviting me again and giving me this opportunity to speak to the people. And thank you very much, sir. And kaisa coincidence hai ki last time bhi humne jab aapse baat ki thi, wo din bhi Independence Day tha. Aur you know, is baar bhi aapka episode Independence Day special hai. To matlab, it's a beautiful coincidence. It's a beautiful coincidence. Aur sabse maje ki baat main azadi ke bare mein batana chahunga ki आज़ादी या कोई भी चीज जो हमारे पास होती है हम उसे वैल्यू नहीं कर पाते हैं. एक बार अगर कोई आपको किसी पिंजरे में बंद कर दे, किसी कमरे में, चलो आपके कमरे में ही चार दिन के लिए बंद कर दे, सिर्फ दो दिन के लिए आप अपने आप को बंद करवा के एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको एहसास हो जाएगा कि आज़ादी का कीमत कितना होता है. मुफ्त में मिली चीज को हम वैल्यू नहीं करते हैं. आज़ादी हमको बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है. हमको तो मुफ्त में मिली है. हमारे जो पुरखे थे, परदादे थे, उन्होंने खून बहाया है, लाठियां खाई हैं, सड़कों पर पिटे हैं, वो पूरे पूरे साल जो है उन्होंने जो धरने प्रदर्शन कर करके आज़ादी को हासिल करा है. तो वही मैं कहना चाह रहा था कि आज़ादी की जो वैल्यू है, या आज़ादी ही नहीं किसी भी चीज की वैल्यू, हम लोग तब समझ पाते हैं जब वो आपसे छिन जाती है. जी सर. अगर वो छिन गई तो दोबारा मिलना बहुत मुश्किल होगा. इसीलिए अगर अभी भी एहसास ना हो रहा हो कि आज़ादी की वैल्यू क्या होती है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लें. अपने आप को तीन दिन किसी से कहे मुझे लॉक कर दो किसी कमरे में. जी. खाना पीना आपका आता रहेगा, ठीक है, आपको एहसास होगा. जहाँ पे ऐसे कमरे में जहाँ पे आपके पास कोई सुविधा ना हो, टेलीविजन देखने को ना हो, कुछ भी ना हो, आपको एहसास होगा कि आज़ादी कितनी बड़ी चीज होती है. जब आप घर से निकलकर स्वच्छंद होकर जहाँ चाहें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जिधर चाहें देख सकते हैं. जी सर. ये इतनी बड़ी चीज होती है. और उससे भी बड़ी आज़ादी होती है सोचने की आज़ादी, कि आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है अपने समाज के लिए, आप दिशा दे सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो एक जो युद्ध था, एक सबसे बड़ी लड़ाई थी हमारी आज़ादी की, हमने ले ली. लेकिन उससे पहले एक सुविधा थी हमारे पास, जो भी गलत था उसके लिए एक जिम्मेदार लोग थे. भाई, अंग्रेजों की वजह से हो रहा है. जी. कुछ भी गलत है अंग्रेजों की वजह से हो रहा है, इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हो रहा है. लेकिन जेंटलमैन, अब आप बताइए, अब तो हम आजाद हैं, अब अंग्रेजों को हम आरोपित नहीं कर सकते. इसीलिए आजादी के साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, उस आरोप को लेने की जो हम अब तक आरोप हम लगाते आए विदेशी ताकतों के ऊपर. अब वो नहीं है हमारे बीच में, तो अब वो सारे के सारे आरोप हमारे ऊपर ही लगेंगे. तो उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि इसीलिए कहा जाता है कि आजादी जब मिलती है तो उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है. वो जिम्मेदारी होती है अपने हर लोग को बराबर अपॉर्चुनिटी देने की. जी. हर बच्चे को, हर बच्ची को ये एहसास दिलाने की कि तुम एक आजाद मुल्क के बच्चे हो, तुम सोच सकते हो, अपनी सोच को आसमान से ऊंचा लेकर जाओ, जैसे हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे कि जो ड्रीम नहीं करता, अपराध सबसे बड़ा अपराधी वो है जो ड्रीम नहीं करता. मुझे उनकी डेफिनेशन इतनी पसंद आई कि मैं क्या बताऊं. तो मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के अंदर ये बात इंकल्केट करें, ड्रीम देखो, और सिर्फ देखना ही नहीं है, उस पर काम करना है, और काम करके उन ड्रीम को सच्चाई में कन्वर्ट करके धरातल पर लाना है. वो असली ट्रिब्यूट होगा हमारे उन देशभक्तों के ऊपर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को निछावर किया है कि हम खुश रह सकें, हम आजाद देश में सांस ले सकें. जी सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया. और आपसे अच्छे तरीके से और कौन समझा सकता है आपको. अब 23 साल हो गए इस सर्विस में सर, और आपने तो बहुत सारे डिफरेंट रोल्स में, एंड स्पेशली यू नो लीडरशिप रोल में, 1090 में ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ कॉल्स एक्सेप्ट किए थे आपके लीडरशिप में 1090 ने, जिसमें 8.5 लाख कंप्लेंट्स फाइल हुई थी, एंड 98.3% रेजोल्यूशन रेट था. तो ये तो जैसे आपने बोला कि हमें आज़ादी तो मिली है, बट उसके साथ स्पेशली पुलिस को सर ये एम्पावरमेंट मिला है. ये जो यूनिफॉर्म है, एक्चुअली ये तो
दूसरों को कैसे एम्पावर कर सकें उसके लिए मिली हुई है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इंडियन पुलिस इज रियली प्लेइंग पोस्ट इंडिपेंडेंस. एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सुधार होना बाकी है. आज़ादी मिली उसमें हम लोगों ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सुधार किया, लेकिन वो रिफॉर्म्स जो पुलिस के अंदर होने चाहिए थे वो संभव मुझे लगता है कि उस पर उतना जोर नहीं दिया गया, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया. तो आज भी पुलिस को देखकर हमेशा जो लोगों का जनमानस में जो विचार, सबसे पहला विचार आता है वो ये ब्रिटिश पुलिस है, क्योंकि हमने आज भी ब्रिटिश पुलिस की दी हुई खाकी वर्दी ही पहनी हुई है. तो उसको मुझे लगता है कि शायद हमें उसमें एक चेंज करने की आवश्यकता थी. मैं बात सिर्फ खाकी रंग की नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ स्पिरिट की. क्योंकि जब अंग्रेज लोगों ने इस देश में पुलिस एक्ट 1861 लेकर आए थे जी, तो उनका पर्पस था उस ऐसी पुलिस बनाना जिसकी मदद से वो सोशल अनरेस्ट को दबा सके, आवाज को दबा सके और एक दूसरे राज्य में, एक एलियन कंट्री में राज कर सके. अभी वो फिलॉसफी नहीं है, अब ये देश हमारा है जी. तो वो जो ओरिजिनल फिलॉसफी जो पुलिस की थी, पुलिस एक्ट की जो स्पिरिट है, वो बिल्कुल फेल करती है आज. इसीलिए आवश्यकता है कि वो उस पुलिस एक्ट को हम एकदम 10 मिनट फेंक दें. हमने इतनी बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे कंसोलिडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया. अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, आई एम श्योर हम लोग एक बहुत अच्छा देश हित का, अपने देश का, आजाद हिंद का एक नया पुलिस एक्ट भी बना सकते हैं. मुझे लगता है कि शायद अब वो समय आ चुका है कि जब हमें इस पर काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है. क्योंकि पुलिस के बारे में एक जो कहावत है आज भी बहुत चर्चित है, न पुलिस से दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी. इस कहावत को बदलना पड़ेगा, इस कहावत को बदलना पड़ेगा. हर स्कूल में जाके बताना पड़ेगा कि पुलिस आपकी मित्र है और पुलिस को मित्रवत व्यवहार करना होगा. राइट. क्योंकि पुलिस को नहीं भूलना चाहिए कि उनके घर में अगर चूल्हा जलता है, रोटी बनती है, तो वो रोटी इस देश के किसान मजदूर की मेहनत की कमाई के टैक्स से निकल कर आई है जी, मुफ्त में नहीं है. तो उसको आपको पेबैक करना होगा जी. सर बिल्कुल. सड़क पर खड़े होकर डंडा लहराना आपका काम नहीं है. सड़क पर खड़े होकर आपका सबसे बड़ा काम है कि अगर आपको कोई भी जन देखे तो उसे विश्वास हो जाए कि अगर कोई भी मेरी मुसीबत होगी, कैसी भी मेरी मुसीबत होगी, ये जो खाकी है ना, ये मेरी हेल्प करेगी. जिस दिन ये विश्वास हम पाएंगे तो मुझे लगेगा शायद उस दिन पुलिस को आजादी मिली है अपने सोच को आगे बढ़ाने की, कि जिसको देखकर कोई एक 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 कमजोर महिला के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए कि हाँ, एक पुलिस वाला दिख गया, अब मुझे भरोसा है कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा. एक बच्चे को देखकर ये मन में तसल्ली हो जाए कि पुलिस अंकल दिख गए हैं, नाउ आई कैन रश टू हिम और मैं अपनी बात उनको बता सकती हूँ या बता सकती हूँ. एक बूढ़े बाप को ये समझ आ जाए कि अगर मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है लेकिन मैं पुलिस के बेटे को फोन करूंगा तो वो मुझे हॉस्पिटल जरूर लेकर जाएगा. जी ये सर. बड़े बड़े जो ड्रीम्स हैं ये अनफुलफिल्ड हैं आज तक, और मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि कम से कम मेरे अपने जीवन काल में इस परिवर्तन को होते हुए देखूं, जहां पर पुलिस को एक इज्जत की निगाह से देखा जाए, जहां पर हर पुलिस वाला तत्पर हो, मौका तलाशता हो कि मुझे एक मौका मिले तो एक नहीं मैं 4 लोगों की मदद करता हूँ. वो चेंज अगर आएगा तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा पुलिस को ज्वाइन करना भी एक सार्थक रहा और एक आजादी जिन देशभक्तों ने, हजारों लाखों लोगों ने मिलकर, हमारे पुरखों ने जो आजादी दिलाई, उनको भी अच्छा लगेगा कि देश सही दिशा में जा रहा है. बिल्कुल सर. सो सर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहती हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव, जब हमने अपना ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जब मैंने प्रपोज किया था कि सबसे यूनिक एट्रीब्यूट जो इस इनिशिएटिव का होगा वो ये होगा कि हम पुलिस के साथ पार्टनर करेंगे, मेरे पूरे सर्कल में, मेरे पूरे एसोसिएट्स के सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, किसी ने भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये नहीं दिया था कि पुलिस एक्चुअली हमारे साथ काम करेगी. इमीडिएट रिस्पॉन्स ये था, ओह दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. क्यों? बस ऐसे ही है. इम्प्रेशन इतना नेगेटिव है, लेकिन आज के दिन में ऑलमोस्ट कंट्री के सारे स्टेट्स के साथ हम काम करते हैं, इंडियन पुलिस के साथ, और अभी हमारा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है. श्योरली बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं, जैसे सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी, बट पुलिस इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड हमारी कंट्री में. सो मेरे तरफ से बिग थैंक्स कि
आपने तो हमें बहुत सपोर्ट किया है, हम उत्तर प्रदेश भी आए थे तब भी आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, आज भी हम जहाँ जहाँ आपकी हेल्प चाहते हैं आप हमेशा मतलब उसके लिए हमेशा रेडी रहते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे काम में. मैं यही बात बताना चाहूंगा कि होता यह है कि जो एक आम कहावत होती है ना कि कोई 100 अच्छे काम करे, अगर उसमें से एक गलत काम हो जाता है तो वो जरूर दिखता है लोगों को. जी वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी से एक कोई हमारा हम में से कोई अगर एक गलती करता है तो उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है जो 99 लोग जो अच्छा काम कर रहे होते हैं वो दब जाते हैं. जी. लेकिन ये फिनोमिना सिर्फ पुलिस पर नहीं, हर एक के ऊपर लागू होता है, हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर लागू होता है. और आकांक्षा, ये जो विमेन एम्पावरमेंट का जो आप काम कर रहे हो, और स्पेशली जो 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 फ्यूचर थ्रेट है गर्ल्स के लिए, जी, साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ी थ्रेट जो होगी आने वाले समय में वो होगी साइबर सिक्योरिटी, साइबर स्टॉकिंग, इससे कैसे बचा जाए, इस पर जो आपका इनिशिएटिव है शुरू में, इनफैक्ट हमको भी ये लगा था कि यस, ये आपका इनिशिएटिव का आइडिया बहुत अच्छा है, अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन देश इतना बड़ा है और इसको करने के लिए बहुत ज्यादा मोमेंटम की जरूरत होती है, जी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत होती है, जी, और इन सब चीजों को एनालॉग करते हुए एक स्ट्रांग विल पावर की जरूरत होती है, एक कमिटेड मिशन की जरूरत होती है, एक नहीं मुझे ये करना है, चाहे मैं 8 घंटे 10 घंटे अपना काम करने के बाद मुझे 2 घंटा मिलेगा, तो उस 2 घंटे में मुझे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना है. तो ये डाउट होता था कि हम लोग वी आर पेड फॉर इट, हमको तो जो है सरकार तनख्वाह देती है ये काम करने के लिए, लेकिन आप बाकी जो लोग हैं दिन रात अथक मेहनत करके जो है विमेन सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इतने बड़े लेवल पे आप कैंपेन चला रही हो, इतने बड़े लेवल पर जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस के वो आपके पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इतने सारे ऑफिसर्स, सीनियर अधिकारी, IAS अधिकारी, IPS अधिकारी और रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी, इतने सारे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोगों की बातें, वुमेन रोल मॉडल्स जो अधिकारी हैं उनकी बातें लोगों ने सुनी हैं. और आप अकांक्षा यकीन करिए कि जो जो मिड क्लास टाउन्स हैं वहां के बच्चों को जब ये बातें सुनने को मिलती हैं फर्स्ट हैंड, देखो ये ऐसे कहा जा रहा है, ये ऐसे कहा जा रहा है, हम पर्सनल बात सुनने को मिलती है, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी होती है उसकी. जी. बहुत से बच्चे इंस्पायर होते हैं उन सब चीजों से. अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा हाल में, आई एम श्योर आप मुझे बताइए कि वो सही था, कि पिछले 2 साल में जो आकांक्षा अगेंस्ट हरासमेंट है उसके पॉडकास्ट को तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुना है. जी सर, ये करेक्ट है सर. दैट्स राइट सर. नाउ टेल मी, 2 करोड़ तक पहुंचना, ये वॉइस 2 करोड़ के कानों में अगर चली गई है, जी, तो आप ये मान लो कि 2 करोड़ बेहतर सिटीजन बन चुके हैं. जी सर. आई जस्ट विश जिस थिंग कि आप इस चीज को और मल्टीप्लाई करें, और मैं मुझे पक्का यकीन है कि हम सब लाइक माइंडेड ऑफिसर्स जहां पे भी हमारी जितनी भी हमारी हैसियत है, जितनी भी हमारी शक्ति है, उसको इस मिशन में आपके साथ हम सबके सब खड़े होकर लगे हैं और पूरी तरीके से लगे रहेंगे. हंड्रेड्स ऑफ सैल्यूटेशंस फ्रॉम ऑल द पुलिस फ्रेटर्निटी. मैं जो हमारे साथ के सारे पुलिस जन है उनकी ओर से जो है आपको एक स्वर्ण वाला जो है जो जिसे कहते हैं ना सलाम, जो उसमें आवाज आती है बूट की, ठक से जो बूट की आवाज आती है वो वाला सलाम आपके लिए, सैल्यूट आपके लिए. यू रियली मेड माई डे सर, एंड थैंक यू वेरी मच. एंड बस हमारे भी मन में यही उम्मीद है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा पर्पज है लाइफ का, हर वेकिंग मोमेंट यही पर्पज है और यही करते हैं. सो सारी प्रोफेशनल स्किल्स इसके लिए, सारी सोशल स्किल्स इसके लिए, सारी इमोशनल स्किल्स इसके लिए, होपिंग कि ये सारी इंटेग्रिटी कहीं ना कहीं तो पहुंचाएगी हमें आने वाले टाइम में. That's even awesome. That's absolutely awesome. Thank you very much. And अगर आपके लिए सिकेरा सर के लिए कोई भी questions हैं या आप उनसे interact करना चाहते हैं, आप please मुझे tweet कर सकते हैं. मेरा handle है AKANCHAS और मेरा email ID है HELLOAKANCHA hello akanksha @gmail.com. जय हिंद. जय हिंद.